हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक हाजिर हूँ भूगोल की श्रृंखला का एक नया टॉपिक लेकर। दोस्तों, इससे पहले अपन ने बात की थी भारत के पैदूपी पठारों के बारे में तथा पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और आज हम बात करेंगे भारत के तटीय मैदान एवं द्वीपीय क्षेत्रों की तथा द्वीप समूहों की। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आते हैं सीधा टॉपिक पे और बात करेंगे भारत के तटीय मैदान। फ्रेंड्स, तटीय क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहते हैं जो कि समुद्र तल या किसी जल राशि से या जल क्षेत्रों से लगते हैं। जैसे कि अगर हम भारत के दक्षिणी भाग की अवस्थिति को देखें, जहाँ पर गुजरात और पूर्व में बंगाल स्थित है, यह पूरा भाग समुद्र तट पर अवस्थित है या समुद्री भाग में अवस्थित है, तो इसे हम तटीय क्षेत्रों के नाम से जानते हैं। और इन तटीय क्षेत्रों को स्थानीय भाषा में स्थानीय लोगों के द्वारा अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं किस तटीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मैं शुरुआत करूँगा पश्चिम में गुजरात से, गुजरात राज्य से। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारत के कुल 9 राज्य समुद्री सीमा को स्पर्श करते हैं, जिनमें से पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठवां तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और अपना नौवां राज्य है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, ये 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा को स्पर्श करते हैं और स्थानीय भाषा में इनके तटों को अलग अलग नामों से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस राज्य के तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए गुजरात राज्य की, तो गुजरात राज्य को स्थानीय भाषा में या इसके तटीय भाग को सौराष्ट्र तट के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, मैं इसको लिखता जा रहा हूँ, आप लोग भी नोट्स बना लीजिएगा तो आपको याद करने में आसानी होगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा गुजरात, गुजरात को सौराष्ट्र तट के नाम से जाना जाता है। गुजरात का यहाँ से लेकर यह भाग सौराष्ट्र तट, इसके बाद जैसे ही महाराष्ट्र का भाग शुरू होता है तो महाराष्ट्र से लेकर गोवा तट को कोंकण तट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, गोवा के जस्ट बाद कर्नाटक तट है, जिसे हम कन्नड़ तट या कर्नाटक तट के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात दोस्तों, केरल का समस्त तटीय क्षेत्र मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो वहीं पूर्वी भाग में, ये तो बात हुई पश्चिमी भाग में स्थित तटीय भाग, अब अगर पूर्वी भाग की बात की जाए तो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र को कोरोमंडल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो वहीं आंध्र प्रदेश का क्षेत्र उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक विस्तृत है। और लास्ट में दोस्तों, पश्चिम बंगाल के तट को बंगाल तट या डायमंड हार्बर तट के नाम से जाना जाता है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये तट समझ में आ गए होंगे, और इन तटों के बाद अब हम बात करेंगे भारत के द्वीप समूहों की। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं भारत के द्वीप समूह। आइए शुरू करते हैं भारत के द्वीप समूहों के बारे में। दोस्तों मैंने द्वीप समूहों को दो भागों में बांट दिया है, पश्चिमी द्वीप समूह और पूर्वी द्वीप समूह। जिनमें से अगर पश्चिमी द्वीप समूह की बात करें तो उनमें से ये कुछ द्वीप हैं और पूर्वी द्वीप समूह में कुछ द्वीप यहाँ पे हैं। उनको मैं नक्शे के अकॉर्डिंग, मैप के अकॉर्डिंग, मैप में आपको मैं समझाऊंगा कि किनकी अवस्थिति कहाँ पर है, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों देखते हैं पश्चिमी द्वीप समूह की बात करें अगर कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से द्वीप हैं तो उनको देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे गुजरात में स्थित ड्यूस द्वीप समूह की। यह ड्यूस द्वीप समूह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। उसके बाद आगे इसी क्रम में बढ़ेंगे तो आलियावेट, खादियावेट, एलिफेंटा द्वीप तथा सालसेट द्वीप, ये सब भारत के पश्चिमी भाग में स्थित हैं, जो कि लगभग इनकी अवस्थिति महाराष्ट्र राज्य से जल की ओर अवस्थित है या स्थित हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों ये याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे सालसेट द्वीप तक, तो क्लियर है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पर हम जनरली जानते हैं कि लक्षद्वीप जो होता है एक मान लेते हैं, जबकि वह एक नहीं है, कई द्वीपों का समूह है जिनको अनेक द्वीपों को मिलाकर लक्षद्वीप समूह बना है। जिनमें से दोस्तों अमीन, आंद्रोथ, मिनिकाय तथा आदि द्वीपों को मिलाकर यह लक्षद्वीप समूह बना है। इसमें दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पास एक मिनिकाय द्वीप है और कावरत्ती जो कि लक्षद्वीप की राजधानी है, लक्षद्वीप अपना केंद्र शासित प्रदेश है। तो यह 9 डिग्री चैनल कावरत्ती को मिनिकाय द्वीप से अलग करता है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि 9 डिग्री चैनल किन किन भागों को अलग करता है, या मिनिकाय को कावरत्ती से अलग करने वाले चैनल का क्या नाम है, तो इसे आपको क्लियर याद रखना है। दोस्तों इनकी जो अवस्थिति है, कोई भी द्वीप है इनकी अवस्थिति जनरली किस राज्य के पास है, किस भाग में स्थित है, यहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं। तो आपको क्लियर याद रखना है कि अगर आलियावेट पूछता है तो आपको बताना होगा आलिया खादी आपके गुजरात राज्य के पास है, तो यहीं एलिफेंट और सालसेट आपके महाराष्ट्र राज्य के पास अवस्थिति इनकी बताई गई है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है, द्वीपीय देश, जिसे हम मालदीव के नाम से जानते हैं। मालदीव को मिनिकाय द्वीप से 8 डिग्री चैनल अलग करता है। तो दोस्तों इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगर केरल में बात की जाए तो केरल के पास एक छोटा सा द्वीप स्थित है जिसे वेलिंगटन द्वीप के नाम से जानते हैं। इसके बाद दोस्तों अपन आते हैं भारत के दक्षिणी भाग में, जहाँ पे मन्नार की खाड़ी है। यहाँ पे मन्नार की खाड़ी के पास स्थित एक छोटा सा द्वीप है जिसे पंबन द्वीप के नाम से जानते हैं, जहाँ पे रामेश्वरम नाम का स्थान स्थित है। रामेश्वरम जहाँ पे श्री राम भगवान ने अपने हाथों द्वारा मूर्ति का शिलान्यास करके भगवान शिव की पूजा की थी, इसका ऐतिहासिक महत्व है, धार्मिक महत्व भी है। तो दोस्तों पंबन द्वीप के पास ही यह रामेश्वरम नामक स्थान स्थित है। धनुषकोडी आपने स्थान सुना होगा, सब इसी द्वीप के आसपास स्थित है। इसके बाद दोस्तों आगे चलेंगे, अब पूर्वी भाग में अगर आते हैं, पूर्वी भाग की बात करें तो यहाँ पे तमिलनाडु से लगभग 5 से 6 लगभग 10 किलोमीटर दूर हेयर द्वीप है, जो खरगोशों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे खरगोश आपको बहुत सारे मिलेंगे इस द्वीप में। इसके बाद दोस्तों श्रीहरिकोटा द्वीप आप बहुत अच्छे से जानते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि श्री हरिकोटा द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए फेमस है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो भी इसका सही आंसर बताएगा उसका नाम हम अगले वीडियो में लेंगे, और इसका मैं सही आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा द्वीप और व्हीलर द्वीप जो कि उड़ीसा राज्य के पास स्थित है, तो इन द्वीपों को आपको याद रखना, हरिकोटा और व्हीलर द्वीप जो कि आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। अब दोस्तों अगर पश्चिम बंगाल तट की बात की जाए तो यहाँ पे देखिएगा गंगा सागर द्वीप, जिसका धार्मिक महत्व तो सबसे ज़्यादा है, वह आपके पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के आसपास के क्षेत्र में या तटीय भागों के पास स्थित है। यह एक द्वीप समूह है जिसका धार्मिक महत्व तो सबसे ज़्यादा है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप कोको द्वीप समूह स्थित है, जो भारत और म्यांमार के बीच विवादित है, और यह कोको चैनल के द्वारा अंडमान निकोबार से अलग होता है। अब दोस्तों बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की।
अंडमान निकोबार करीब विभिन्न द्वीपों या विभिन्न छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर एक विस्तृत द्वीप बना है, जिसको हम नक्शे के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा अंडमान के दो भाग, एक को आप उत्तरी अंडमान कह सकते हैं तथा दूसरे को दक्षिणी अंडमान। अब अगर इन दोनों उत्तरी और दक्षिणी अंडमान की बात की जाए तो उत्तरी अंडमान में देखिएगा कुछ द्वीप समूह, जैसे सबसे पहले उत्तरी अंडमान द्वीप समूह है, उसके जस्ट दक्षिण में मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान तथा लघु अंडमान द्वीप स्थित हैं। इन चारों द्वीपों को मिलाकर उत्तरी अंडमान बनता है। उत्तरी अंडमान के उत्तर के पास ही दो छोटे द्वीप समूह हैं जिन्हें हम नारकोंडम एवं बैरन द्वीप के नाम से जानते हैं। दोस्तों, नारकोंडम और बैरन द्वीप आप जानते हैं, यह एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि उत्तरी अंडमान से दक्षिणी अंडमान को अलग करने वाले चैनल को 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसको एकदम से क्लियर याद रखिएगा, जो कि डंकन पास से होते हुए गुजरता है। अब 10 डिग्री चैनल जो कि लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, कार निकोबार दक्षिणी अंडमान का भाग है। सबसे पहला भाग देखिएगा कार निकोबार, उसके बाद लघु निकोबार और अंतिम है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, जिसमें भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट स्थित है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि इन सभी द्वीप समूहों को मिलाकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि उत्तरी अंडमान द्वीप समूह में ही अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक स्थित है। प्रश्न कभी कभार पूछ लेता है कि अंडमान निकोबार का की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, तो आपको याद रखना है सैडल पीक, जो कि उत्तरी अंडमान के भाग पर स्थित है। अब दोस्तों, अंतिम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इसके दक्षिणी भाग में जाएंगे तो यहाँ पे एक 6 डिग्री चैनल पड़ता है, जो कि जावा सुमात्रा द्वीप को अंडमान से अलग करता है। यहाँ पे अवस्थिति आप देखेंगे मैप में तो आगे जावा सुमात्रा द्वीप है, इसको मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्लियर करूँगा, आगे बताऊँगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये द्वीप समझ में आ गए होंगे। इनको आप एक कॉपी में बेहतर नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में, समझने में, याद करने में आसानी हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा। मैं अभिषेक आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।